ईद के तीसरे दिन भी खुशियों भरा त्यौहार मनाया जा रहा है। मीठी ईद पर अदाकारा खुशबू कैसे ईद मना रही हैं, इसी हवाले से मजीद हमें बताएंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर। मोइन बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद की खुशियां तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हों। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की नामवर अदाकारा खुशबू खान साहिबा, उनसे जानते हैं ईद का ये दिन उनका कैसा गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। अच्छा मैडम, क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं ईद वाले दिन आपकी? ईदी लेन देने वाला कॉन्सेप्ट अभी भी है या अब सिर्फ ईदी देती हैं आप? नहीं, कॉन्सेप्ट है, ईदी लेने का भी है और देने का भी है। पहली बात तो मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को और ओवरसीज़ में जो हम लोगों को देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। और सुबह तक तो देखें मेरी हालत अभी भी आप देख रहे हैं क्या है कि सुबह तक तो हम रिहर्सल्स करते रहे हैं जो हमने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पब्लिक को दिखानी है। और उसके बाद जो सुबह के बाद जो रिश्तेदारों को आपको पता है कि मेल मिलाप होता है, आना जाना होता है, बच्चों को ईदी देना होती है और जो हमसे बड़े हैं हमने उनसे ईदी लेनी होती है। और उससे बढ़कर जो है अभी जब हमारा शो स्टार्ट होगा तो मैंने जो ईदी पब्लिक से लेनी है वो उनको मैंने तालियों की सूरत से दाद में लेनी है और उनको ईदी मैंने जो देनी है वो है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, अपना बेस्ट दे के। अच्छा, आप लोग भी फैमिली वाले लोग हैं और ईद वाले दिन ज़्यादा आपको परफॉर्म करना होता है, तो ये जो आपका घरेलू ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब नहीं हो जाती इन दिनों में ज़्यादा? एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, अब तो मैं यूज्ड टू हूँ कि बिकॉज के बचपन से काम करते आ रहे हैं तो वो ईद शबराते जो भी हमारी है वो हमारा शो बिज़ के साथ ही है, आप लोगों के साथ है, तो आप हमारी फैमिली है। घर वालों को टाइम कम मिलता है उनको, तो वो भी अब यूज्ड टू हो चुके हुए हैं कि नहीं इन्होंने शाम को निकल जाना है और इन्होंने ड्रामे पर जाना है, इन्होंने काम करना है या इनके शोज़ हैं कुछ भी है, तो मिस करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।